आप सबका मेरे चैनल रिंकू की रसोई में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बीन्स और आलू की सब्जी की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने चार आलू ले लिया है और बीन्स ले लिया है और दो प्याज। तो चलिए सब्जी को अच्छे से काट लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब्जी को अच्छे से काट लिया है, बीन्स को भी अच्छे से काट लिया है, आलू को भी अच्छे से काट लिया है और प्याज को भी अच्छे से काट लिया है। तो चलिए सब्जी को बनाने चलते हैं। चलते हैं गैस की तरफ। सबसे पहले हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे, कढ़ाई को चूल्हे पर रख देंगे, कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब हम इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, थोड़ा सा सौटे कर लेंगे। कटे हुए प्याज को डाल देंगे, प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे। प्याज को मैंने हल्का भून लिया है, अब हम इसमें कटे हुए बीन्स को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर मैंने बीन्स को 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भून लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें कटे हुए आलू को डाल देंगे और आलू को भी 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। सब्जी को हमें अच्छे से भूनना है। अब इसमें क्या क्या मसाले पड़ेंगे आइए देख लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है लहसुन, शिमला लाल मिर्च पाउडर, जीरा, काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मीट मसाला। तो चलिए मसाले को अच्छे से पीस लेते हैं। थोड़ा सा इसमें हम पानी लेंगे और मसाले को अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने मसाले को अच्छे से पीस लिया है। यहाँ पर मैंने सब्जी को अच्छे से भून लिया है, अब हम इसमें पीसे हुए मसाले को डाल देंगे। थोड़ा सा पानी लेंगे और हिलाकर इसको सब्जी में डाल देंगे और मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, स्वाद के अनुसार नमक, और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का टमाटर लिया था, इसको चॉप कर लिया है। टमाटर को भी इसमें डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे। मसाला और टमाटर को हम अच्छे से भूनेंगे। इसमें थोड़ा सा हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया है, इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों। अब हम इसमें पानी डाल देंगे और सब्जी को अच्छे से चला लेंगे। सब्जी का कलर देखने से ही पता चल रहा है कि हमारा सब्जी कितना टेस्टी बनकर तैयार होने वाला है। अब हम सब्जी को ढक देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, बीच बीच में हम इसको चेक करते रहेंगे। तो चलिए सब्जी का ढक्कन हटाकर एक बार सब्जी को देख लेते हैं। सब्जी में थोड़ा सा पानी है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। तो गरम मसाला को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट के लिए सब्जी को फिर से हम ढक देंगे। तो 1 मिनट हो चुके हैं, फिर से ढक्कन हटाकर सब्जी को देख लेते हैं। सब्जी में पानी अच्छी तरीके से सूख चुकी है, अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। सब्जी को हम एक बर्तन में निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको एक बर्तन में निकाल लिया है। तो आपको हमारी आलू और बीन्स की सब्जी की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।